विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता आया है कि बीजेपी हर जगह अपनी मनमानी चलाती है, यहाँ तक कि संसद में भी विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसे में विपक्ष ने जब अपने तरीके से बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की तो इस पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऐसे भड़क उठे कि उन्होंने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्त फटकार लगाई, जिस पर अब प्रियंका गांधी भड़की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के वक्त संविधान को लेकर पीएम मोदी को खूब घेरा और चुनाव बाद भी कांग्रेस संविधान वाले मुद्दे पर अड़ी हुई है, जहां संसद में शपथ लेते वक्त कांग्रेसी संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे और फिर शपथ ली। वही जब यही चीज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की तो ओम बिरला ने कुछ ऐसा कहा कि एक नया विवाद शुरू हो गया। हुआ कुछ यूं कि संसद में सदस्यता की शपथ लेने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जय हिंद जय संविधान का नारा लगाया था। बस इतना सुनते ही विपक्ष के सांसदों ने भी जय संविधान का नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जब शशि थरूर स्पीकर से हाथ मिलाकर नीचे उतरने लगे तो सदन को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा, संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। इसके बाद ओम बिरला की बात पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध किया और कहा, सर इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इस पर ओम बिरला एकदम से भड़क उठते हैं और दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाते हुए कहते हैं, किस पर आपत्ति और किस पर आपत्ति नहीं जतानी, इस पर सलामत दिया करो। चलो बैठो, पहले आप भी ये वीडियो देखिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो देखा आपने, अब इस पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा एक वरिष्ठ नेता है, ऐसे में उनसे इस लहजे में बात करना सही नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा के इस मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ओम बिरला से भिड़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका ने लिखा, क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? सिर्फ प्रियंका ही नहीं, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी इसको लेकर भड़की है। उन्होंने लिखा, अब स्पीकर महोदय को संसद में जय संविधान कहने पर भी दिक्कत है, गजब। जिस संविधान से उनको सदन चलाना है उसी की जय होने पर आपत्ति कर रहे हैं और टोके जाने पर 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से तू तड़ा कर रहे हैं। बता दें, संसद में कांग्रेस ने इस बार नीट पेपर लीक का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया, लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उनका माइक बीच में ही बंद हो गया था। कांग्रेस ने इसको लेकर भी आरोप लगाया कि जरूरी मुद्दों पर माइक छीनकर युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंत में राहुल के इस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। प्रियंका के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेज हैं, एक है। तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। श्री अर्जुन में